बजरी के अवैध खनन के खिलाफ बांदीकुई पुलिस की कार्रवाई कर एक जेसीबी और ट्रैक्टर को किया जब्त। बांदीकुई क्षेत्र में दिन प्रतिदिन पांव पसार रहे अवैध बजरी के खनन को लेकर जहां आए दिन मीडिया में खबरें प्रकाशित होती रहती हैं और क्षेत्र में इसके चलते मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसके चलते आज बांदीकुई पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जेसीबी को जब्त किया है। बांदीकुई पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन को लेकर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बांदीकुई शहर के नजदीक शालावास गांव के समीप नदी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अवैध खनन कर रहे लोग भागने में कामयाब हो गए, लेकिन इस दौरान अवैध खनन में काम में ली जा रही जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित को जब्त किया गया, जिसकी सूचना खनन विभाग को देकर मौके पर बुलाया गया। खनन विभाग मामले में कार्रवाई को अंजाम देगा, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जेसीबी बांदीकुई थाने में खड़ी है। आइए देखते हैं बांदीकुई से ये खास रिपोर्ट। सर, अवैध खनन के खिलाफ पुलिस द्वारा आज जो कार्रवाई की गई उसके बारे में जरा बताएं। नहीं, जैसे कि कई समाचार पत्र और अन्य सोर्सेज जो भी है, प्रिंटेड मीडिया, डिजिटल मीडिया से सूचना बार बार प्रदान की जा रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जो है वो ज्वाइंट एक्टिविटी के लिए कहा हुआ है। हमने जो है इस बाबत जो है वो प्रशासन, वन और खनन विभाग, इन तीनों को लेटर भी लिखे हमने। तो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि थोड़े दिन पहले बसवा में जो है वो ट्रैक्टर पकड़ा था, उसी में खनन के खिलाफ रोकथाम के लिए हमने आज भी बांदीकुई में जो है अलग अलग टीमें गठित की थी हमने, और सुबह हमने अलग अलग जगह दबिश दी, और उस दबिश में हमने जो है आज एक जेसीबी और ट्रैक्टर जो है वो सीज करके हमने जो है माइनिंग डिपार्टमेंट को उसकी सूचना दी है, और माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो जुर्माना सहित आगे जो भी उनके लीगल एक्शन है वो ली जाएंगे, और इस तरह की गतिविधियां जो है मैं आपको ये आशा दिलवाता हूँ कि आगे भी इस तरह की गतिविधियां रेगुलर होंगी।